दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम यादव प्रधान। दोस्तों अगर आपको इंग्लिश आता नहीं है तो यू डिक्शनरी से कैसे हम उसको इंग्लिश को हिंदी में परिवर्तन करके या ट्रांसलेट करके कैसे हम हिंदी भाषा जानेंगे और सीखेंगे। दोस्तों कैसे कैसे उसको सेटिंग किया जाता है चलिए देखेंगे। अगर आपको हिंदी सॉरी इंग्लिश नहीं आता है तो उसको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है वो देखेंगे। दोस्तों इसीलिए हम यह यू डिक्शनरी को पहले डाउनलोड करेंगे। ठीक है दोस्त, देखिए अच्छी तरह से इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। अगर कोई मैसेज एसएमएस आया होगा तभी भी आप उसी में वो काम करेगा। इसी में नीचे स्टार्ट है, इसमें क्लिक करेंगे। एसएमएस आया होगा तो आप उसको भी हिंदी में परिवर्तन कर सकते हो। इसी में ये देखिए, इसी में ये इंग्लिश टू इंग्लिश है ना, इसी में हम हिंदी कर देते हैं। हिंदी आपका मर्जी से, आपका भाषा भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे भाषा है इसमें। देखिए मराठी, बंगाली, उड़िया, तेलुगु है ना, आपका भाषा आप देख सकते हैं। मैं हिंदी कर रहा हूँ, मैं क्लिक कर दिया हिंदी में और नीचे इसमें डन क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ इंग्लिश टू हिंदी हो गया, आपका भाषा आप देख सकते हैं, आपका भाषा भी हो जाएगा। मैं हिंदी कर दिया, आप बंगाली हो तो बंगाली, तेलुगु हो तो तेलुगु, अपना मर्जी से का भाषा चुन सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये मैसेज आया, देखो ऑफलाइन आपका डाउनलोड हो, देखो ऑफलाइन हैज बीन डाउनलोडेड हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, इसके हाँ यहाँ से हम कटेंगे, यहाँ से काट देंगे हम। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से जाएंगे यहाँ सेटिंग में है ना, सेटिंग में क्लिक करेंगे। ठीक है, ये सेटिंग है, इसी निशान में क्लिक करने के बाद ई सेटिंग में क्लिक करेंगे। मैं सेटिंग में क्लिक कर दिया सेटिंग में। इसके बाद ये मैजिक ट्रांसलेट, इसी में क्लिक करेंगे और ये निशाना है ना, इसको ठीक करेंगे ऐसे इस तरह। ठीक है, इसके बाद देखें डिस्प्ले ओवर अदर ऑप्स के लिए भी चालू होने के लिए इसी को हम यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है दोस्त, इसके बाद वो कहाँ गया, वो ये यहाँ डिक्शनरी इधर इसी में क्लिक करेंगे। ये डिक्शनरी है ना, यू डिक्शनरी सिम का ये, इसे लास्ट में इसी को क्लिक कर देंगे। मैं यहाँ क्लिक कर दिया। ठीक है, और यहाँ से बैक जाएंगे और ये ठीक हो गया। देखें ये ठीक हो गया, ये है ना, ये ठीक हो गया। इसी को भी ऐसे ठीक करेंगे, ये ठीक हुआ है ना, इसी को भी ऐसे ठीक करेंगे। तो इसी के यहाँ दबाएंगे तो ये स्टार्ट खुलेगा। ठीक है, असेसिबिलिटी कहाँ है, यहाँ देखिए असेसिबिलिटी ये ऑफ है, ये इसी में इसको ऑन करेंगे, ऑफ है ये। ये असेसिबिलिटी में गया है हम, ये इसके बाद ये यू डिक्शनरी इसी में ऑन करेंगे।
ऑफ है ये। इसके बाद ये देखिए इधर ऑफ ये है ना, इसी को ऑन करेंगे, ऑफ है अभी। देखिए यहाँ आया, ओके ओके दबा देंगे, ये खुल गया। इसके बाद बैक जाएंगे, ठीक है दोस्त। इसके बाद यहाँ स्टार्ट में ये निशान में स्टार्ट में क्लिक करेंगे, ठीक है। स्टार्ट में निशाना क्लिक होते हुए होते ही एक देखिए इधर निशाना आ रहा है, ये है। इसी को कभी यूज करेंगे, कभी भी यू आया आ रहा है इसमें, नहीं तो ये निशाना इसी को निशाना देखिए ये ऐसे निशाना आ रहा है। इसको हम ऐसा दबा के यहाँ ड्रैग करके ले जाएंगे और आपको कोई भी मैसेज को आप यहाँ ड्रैग करके ले जाओगे वो हिंदी में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अभी एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं यहाँ, देखिए आपकी मातृभाषा यहाँ क्लिक कर देंगे, यहाँ देखिए किस भाषा का अक्सर अनुवाद करते हैं। देखिए देखा दोस्त कितना अच्छा है। और मान लीजिए और मैं मेरा मैसेज को दिखाता हूँ कोई भी एक मैसेज में, ठीक है। यह क्लिक कर दिया मैसेज बॉक्स में और ठीक है, और मैं यहाँ कर दिया और यहाँ क्लिक कर दिया। ये देखिए मैं यहाँ सॉरी यहाँ बोल रहा हूँ ये ऐसा नहीं है। देखिए हिंदी में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है दोस्त। दोस्तों अच्छा लगा कि नहीं ये वीडियो? अगर आप भी इंग्लिश भाषा का मैसेज आ रहा है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, दूसरे के पास जाके पढ़ने के लिए बोल रहे हो और हिंदी में परिवर्तन, तो आप तुरंत उसको ट्रांसलेट कर नहीं पाओगे। इसीलिए ये यू डिक्शनरी डाउनलोड करके आप खुद आप देख सकते हो, हिंदी में पढ़ सकते हो। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और आपका दोस्तों को भी बताना और घंटी को भी दबा देना। दोस्तों मैं रखता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।